नमस्कार देशवासियों, वेद में गाय के निवास स्थान को गौशाला कहा है। जहां गाय रहती है वो गौशाला। आज गलती से लोग उसको तबेला बोलते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, जो जहां भैंस रहती है, जहां घोड़े रहते हैं, उनके निवास स्थान को तबेला कहते हैं, गाय के निवास स्थान को गौशाला कहते हैं। तो कभी गाय के निवास स्थान के लिए तबेला शब्द का इस्तेमाल करना वो एक अविवेक है, अज्ञान है। हमेशा गाय के निवास स्थान को गौशाला कहो। उनको इंग्लिश में शेड भी कहते हैं, गुजराती में, हिंदी में छापरा भी कहते हैं। वो गौशाला या उनका शेड, छापरा की दो खासियत है होनी चाहिए। एक, वो प्राकृतिक होना चाहिए कि जो जितना प्राकृतिक रहेगा तो ठंडी की सीजन में, सर्दी की सीजन में गाय को, गोवंश को ठंड नहीं लगेगी और गर्मी की सीजन में गर्मी नहीं लगेगी। बनासकांठा में हमारे परम कर्म संगाथी राम सिंह राजपूत के वहां मैं आज आया हूं। उनका प्राकृतिक गौशाला या छापरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार नीम के पांच पेड़ थे, उनको काटा नहीं, उनको बीच में लेते हुए 50x50 का ये प्राकृतिक गौशाला बना दिया है। आप देखिए, इसमें लोहे के पाइप, मुख्य जो उसका वजन उठा सके ऐसे लोहे के पाइप है, बीच में स्थानीय लकड़ी है। ये यहाँ का जो वृक्ष होते हैं, क्या है उसके अंदर की सूखी लकड़ी, किसकी, तुअर, तुअर की लकड़ी है। और ऊपर बाजरे की जो राड़ा बोलते हैं हम उसको, कड़प बोलते हैं वो है। और तो, ऊपर दाब डाल दिया। हाँ, और उसके ऊपर दर्भ नाम का घास भी है। इस तरह से वो बारिश का पानी भी उसके ऊपर से निकल जाता है। किसान ऐसा छापरा बना ले, गौशाला बना ले, तो कम से कम खर्च में होगा और हर 5-10 साल पर उसमें एक बूंद पानी अभी आता नहीं है, गिरता नहीं है नीचे। मान लो 5-10 साल के बाद जब सड़ जाए ऊपर का घास, तो घास बदल लेना। बदल लेने से 100 साल तक ये छापरा, ये गौशाला चलती है और कम से कम खर्च में बनी है। ना गाय को इसमें ठंड लगेगी, सर्दी ना गर्मी लगेगी, तो ये प्राकृतिक और सस्ता है। तो गौपालन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जितना महत्तम प्राकृतिक शेड बनाए और सस्ता भी बनाए तो गौपालन फायदे वाला होगा। ये गोल है और ऐसे ये लंबा है, ये शेड भी उसकी मुताबिक ही है कि हम ऐसे भी सीधा लंब चौरस शेड बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो देश के गौ पालकों को मेरा संदेश है कि गाय का निवास स्थान, गौशाला और छापरे को प्राकृतिक बनाओ और जितना सस्ता बन सके इतना बनाओ, तो हम गौ पालन को आर्थिक संपन्न कर पाएंगे। ये सबसे बहुत जरूरी है। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट, राजकोट।